हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक होता है। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब ब्लड का पीएच 7 से थोड़ा ऊपर होता है। ब्लड के पीएच की रेंज 7.35 से 7.45 तक हो सकती है। एक एडल्ट मेल में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जबकि एक एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। ब्लड के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड का लगभग 55% भाग होता है। फार्म एलिमेंट्स, ये ब्लड का सेलुलर पार्ट होता है। फार्म एलिमेंट ब्लड का लगभग 45% भाग होता है। ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज में बैलेंसिंग के लिए 2 टेस्ट ट्यूब लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमको टेस्ट ट्यूब में 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। नीचे वाली लेयर रेड कलर की होती है, इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। उसके ऊपर व्हाइट लेयर में WBCs और प्लेटलेट्स होती हैं। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ये 3 फार्म एलिमेंट के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। लाइट येलो लेयर में ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा में लगभग 91.5% वाटर और लगभग 8.5% सोल्यूट्स होते हैं। सोल्यूट मुख्यतः प्रोटीन्स होती हैं। हिपेटोसाइट्स मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। एल्ब्यूमिन सबसे अधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन्स प्लाज्मा प्रोटीन का 38% भाग होती है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन का 7% भाग होता है। ब्लड क्लॉट के निर्माण के समय फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। सीरम, ब्लड क्लॉटिंग के बाद बचे फ्लूइड को सीरम कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन माइनस करने पर बचे फ्लूइड को सीरम कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के कार्य, वाटर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है और मॉलिक्यूल्स के स्थानांतरण में सहायक होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखने में सहायक होती है। ग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में सहायक होती है। साल्ट्स ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच को मेंटेन रखता है। न्यूट्रिएंट्स सेल के लिए फूड है। हार्मोन्स एंड विटामिन्स मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। ब्लड प्लाज्मा के बाद अब हम बात करेंगे फार्म एलिमेंट्स के बारे में। फार्म एलिमेंट्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फार्म एलिमेंट्स के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहते हैं। जन्म के पहले हीमोपोइसिस सबसे पहले इम्ब्रियो के योग सेक में, उसके बाद फीटस के लीवर और कुछ मात्रा में फीटस के स्प्लीन और लिम्फ नोड में होता है। जन्म के 3 महीने पहले और उसके बाद आजीवन हीमोपोइसिस या ब्लड सेल्स का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम का वह हिस्सा जो आरबीसी ऑक्यूपाई करता है हीमेटोक्राइट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। यदि हीमेटोक्राइट 50 है तो इसका मतलब है कि ब्लड का 50% भाग आरबीसी है। एक एडल्ट मेल में हीमेटोक्राइट 40-54%, जबकि एडल्ट फीमेल में हीमेटोक्राइट 38-46% होता है। पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ जाता है और हीमेटोक्राइट 65% या इससे अधिक हो जाता है। अब हम बात करेंगे फार्म एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। एक एडल्ट मेल में लगभग 5.2 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं 1 माइक्रोलीटर कितना होता है? ये जो छोटी ड्रॉप दिख रही है ये 1 माइक्रोलीटर है। एक एडल्ट फीमेल में लगभग 4.7 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती हैं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी की साइटोसोल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। प्रत्येक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए अत्यधिक विशेषीकृत होती है।
आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव शेप से आरबीसी का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस ऑक्सीजन ट्रांसफर इफिशियंटली होता है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ब्लड कैपिलरीज से बार बार क्रॉस करने के कारण धीरे धीरे आरबीसी डैमेज होने लगती है। स्प्लीन और लीवर में मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती है। मैक्रोफेजेस स्पेशल इम्यून सेल्स होती हैं। स्प्लीन और लीवर में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेस डैमेज्ड आरबीसी को ब्लड से रिमूव करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। 5000 से 10000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती है। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर 10000 पर माइक्रोलीटर ब्लड से ऊपर हो जाता है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और जब डब्ल्यूबीसी का नंबर 5000 पर माइक्रोलीटर ब्लड से कम हो जाता है तो इसे लीकोपेनिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की विजिबिलिटी के बेसिस पर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट तीन प्रकार की होती है। इयोसिनोफिल्स, इसमें इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और एसिटिक डाई से स्टेन करने पर इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स रेड ऑरेंज दिखाई देते हैं। सेकंड बेसोफिल, इसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इसके ग्रेन्यूल्स ब्लू पर्पल दिखाई देते हैं। थर्ड न्यूट्रोफिल्स, इसके ग्रेन्यूल्स स्मॉल और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्टेनिंग करने पर इसके ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल पिंक दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब्स तक होते हैं। एग्रेन्यूलोसाइट्स, यद्यपि इसको एग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, इसमें फाइन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि पोर स्टेनिंग क्वालिटीज के कारण लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं। एग्रेन्यूलोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मेमोरी सेल्स को छोड़कर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी बॉडी की इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। ह्यूमन ब्लड में आरबीसी की मात्रा सबसे अधिक होती है, सेकंड नंबर पर प्लेटलेट्स और इसके बाद डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स ब्लड में सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। बेसोफिल्स ब्लड में सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि मेगाकेरियोसाइट से उत्पन्न होते हैं। एक मेगाकेरियोसाइट से 2000 से 3000 प्लेटलेट्स बन सकते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन नामक हार्मोन प्लेटलेट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोपोएटिन का प्रोडक्शन किडनी और लीवर में होता है। एक माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स डैमेज्ड ब्लड वेसल्स से ब्लड लॉस को रोकती हैं। प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल्स में केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 9 दिनों का होता है। लीवर और स्प्लीन में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेस बूढ़ी और क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स को ब्लड से रिमूव करती है। रुधिर के कार्य, ब्लड सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल्स और टिश्यू से दूर करता है। ब्लड बॉडी का टेम्परेचर और पीएच को रेगुलेट करता है। ब्लड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड की डब्ल्यूबीसी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। दोस्तों, ये थे ब्लड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।